हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेक लाइफ क्रिएटिव। मैं हूँ प्रीति और आज मैं आपको साड़ी में फॉल लगाना बताऊंगी। कैसे हम घर पर ही अपनी साड़ी में फॉल लगा सकते हैं आसान तरीकों से, और फॉल लगाने का सही तरीका क्या है ताकि हमारे साड़ी में फिनिशिंग बहुत अच्छी आए पहनने पर। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साड़ी के फॉल को पहले मैंने पानी में डिप करके छोड़ दिया था आधे घंटे के लिए, और उसके बाद मैंने इसको सुखा करके प्रेस कर लिया है। इसको फोल्ड करते हुए अंदर के साइड में थोड़ा सा, अब मैं साड़ी का वो पोर्शन खोल लूँगी जहाँ मुझे फॉल लगाना है। तो ये मैंने खोल लिया है, इसके कॉर्नर पर मैंने तुरपाई कर ली है, वहाँ से मैं 7 इंच मार्क करूँगी। 7 इंच पर हम इसे उल्टे साइड को अंदर रखते हुए, जहाँ मैंने फोल्ड किया था आयरन से, तो उसको मैं वहाँ रखूँगी। इसमें पहले हम फॉल को बॉर्डर से अटैच करेंगे। तो यहाँ बॉर्डर में येलो कलर का बॉर्डर हमारा है साड़ी का, तो इसलिए मैं यहाँ येलो थ्रेड ले रही हूँ। थ्रेड को हमें एक लेना है, 1 थ्रेड लेना है, डबल हमें नॉट नहीं लगाना। सिंगल थ्रेड मैं ले रही हूँ, और सिंगल थ्रेड लेते हुए मैं वहाँ नॉट लगा लूँगी उसके पीछे। अब हमें साड़ी को फॉल से अटैच करना है, तो सबसे पहले जहाँ मैंने फोल्ड किया था वहाँ पर मैं थोड़ा फोल्डेड साइड से कट लगाऊंगी ताकि वो फैब्रिक बाहर ना आए। और उस फॉल के नीचे से मैं थ्रेड ले रही हूँ इन करते हुए, इससे हमारा जो है नॉट अंदर की तरफ रहेगा। तो यहाँ मैंने नॉट को अंदर कर लिया है, और अब मैं साड़ी का फैब्रिक और फॉल का फैब्रिक इस तरह से लेते हुए इसे लॉक करते हुए एक स्टिच करूंगी। तो यहाँ मैं फिर से साड़ी और फॉल दोनों को साथ में लेते हुए बीच से ऐसे निडल निकालते हुए हमें लेना है। तो ये फॉल जो है साड़ी में फिक्स हो गया है अच्छे तरीके से। अब हमें पहले साड़ी के बॉर्डर में इसे स्टिच करना है। तो मैं यहाँ निडल को नीचे की तरफ छोटा स्टिच लेते हुए, और ऊपर हम बड़ा स्टिच लेंगे, ऐसे स्टिच करेंगे। नीचे से आप देख रहे हैं मैंने कितना छोटा स्टिच लिया था, ऊपर हम बड़ा स्टिच ले सकते हैं। ये देखो, बिल्कुल भी थ्रेड नहीं दिख रहा है। इसी तरीके से हमें यहाँ नीचे में बॉर्डर में स्टिच करना है। मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, उससे आपको पता चलेगा कि हमारी फॉल कैसे फिनिशिंग के साथ लगती है। और कई बार ऐसा होता है कि हमारी फॉल जो है वो साड़ी से निकलने लगती है, स्टिचिंग खुल जाती है। तो मेरी स्टिचिंग मैं आपको ऐसी बता रही हूँ जिससे आपका फॉल कभी भी नहीं निकलेगा। तो आगे तक आप देखते जाइए। यहाँ मैं आपको अब दूसरे साइड से दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे तरह से दिखे मेरी स्टिच कैसे मैं ले रही हूँ।
तो यहाँ मेरी थ्रेड अब फिनिश हो गई है, छोटी हो गई है। तो सबसे पहले मैं लॉक करने से पहले इधर से जहाँ से मैंने स्टिच लगाया था पूरी तरह से इस तरीके से बराबर करेंगे ताकि कहीं मुड़े ना। ये अब मैं यहाँ पर लॉक करूँगी। तो यहाँ मैं नीडल लगाते हुए ऐसे बीच से निकालूंगी, ये हमारी लॉक हो गई। मैं फिर से एक बार करूँगी तो ये यहाँ मैंने लॉक कर लिया है। दो से तीन बार आप लगा सकते हैं। ये देखो बिल्कुल भी थ्रेड नहीं दिख रहा है। फिर से मैंने थ्रेड लगा लिया है और फिर से मैं इसके बीच से मतलब फॉल के नीचे से ही थ्रेड लगाऊंगी ताकि उसे उसका नॉट ना दिखे। उसके बाद ऊपर से फिर स्टिच करूंगी सेम तरीके से जैसे हमने लास्ट में किया था, वैसे ही हमें स्टिच करना है। तो यहाँ मैं लास्ट तक पहुँच चुकी हूँ। अब मैं यहाँ जो फोल्ड किया मैंने अंदर के साइड फॉल में, वहाँ पर फोल्डेड वाले पार्ट को थोड़ा सा कट करूँगी। अब इसको अंदर की ओर फोल्ड करते हुए हमें यहाँ लॉक करना है। तो यहाँ साड़ी और फॉल दोनों को हम ऐसे लेते हुए यहाँ एक स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ मैंने दो स्टिच लगा लिया, अब मैं इसको लॉक करूँगी। यहाँ ब्रीच से थ्रेड निकालते हुए मैंने लॉक कर लिया। एक बार और करेंगे तो ये हमारा लॉक हो गया है। अब हम साड़ी के दूसरे साइड से जहाँ से हमने स्टार्ट किया था फिर से हमें वहीं से उसी साइड से स्टिचिंग शुरू करनी है। तो हम साड़ी के दूसरे साइड अब जाते हैं। यहाँ हमारी हो गई है यहाँ तक। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, अब मैं यहाँ पहले स्टिच लगाना शुरू करूँगी। मैं मेरा पिंक कलर का थ्रेड रहेगा तो यहाँ मैं पिंक थ्रेड ले रही हूँ। पिंक थ्रेड भी मैंने वैसे ही सिंगल लगा लिया है, लास्ट में इसके नॉट कर लूँगी। और यहाँ मैं फॉल के नीचे से इसे जैसे सेम पहले भी किया था वैसे ही यहाँ पर नीडल को अंदर करूँगी तो इससे मैं हमारा थ्रेड जो है वो पीछे के साइड में रहेगा। और यहाँ मैं साड़ी के नीचे एक नोटबुक रखी हूँ जिससे हमारा जो साड़ी है वो नीचे से फोल्ड ना हो या बिल्कुल बराबर रहे। तो यहाँ मैं तुरपाई करते हुए स्टिच कर रही हूँ। यहाँ साड़ी और फॉल दोनों को मैं ऐसे साथ में स्टिच लेते हुए ऐसे स्टिच कर रही हूँ। तो इसी तरीके से हमें साइड में पहले तुरपाई करना है और ऊपर भी हम ऐसे ही तुरपाई करते हुए स्टिच करेंगे। बिल्कुल छोटा छोटा हमें स्टिच लेना है।
तो यहाँ हमारा अब लास्ट होने वाला है स्टिचिंग। लास्ट में हमें फॉल को एकदम ध्यान से बिल्कुल सीधा ही रखना है नोटबुक की हेल्प से। फिर हम ऐसे, पहले भी हमने जैसे थ्रेड को सीधा कर लिया था पीछे से जहाँ हम से स्टिच लगा रहे थे वहाँ से खींच के बराबर कर लेंगे। और अब मैं यहाँ कॉर्नर पर लॉक लगाऊंगी। लॉक लगाने से ये रहता है कि ये अपनी जगह पर फिक्स होता है, नहीं तो इसका धागा स्ट्रेच होता है कभी या लूज़ हो जाता है तो फॉल खुलने का रहता है। तो इस तरह से अच्छे से फिनिशिंग आती है। अब साइड में भी हम इसके तुरपाई करेंगे जैसे हमने पहले किया था। नोटबुक रखने से इसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी आई है। अभी यहाँ पे हम फिर से यहाँ तुरपाई करेंगे। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो। मेरा फॉल लग चुका है लगभग। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, आपने यहाँ तक देख ही लिया है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करके जाना। और कोई सजेशंस हो तो हम मुझे कमेंट करके बताना और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। यहाँ भी हम साइड में लास्ट में यहाँ लॉक कर लेंगे अच्छी तरीके से दो या तीन बार ताकि हमारी स्टिचिंग ना खुले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।